कांग्रेस के ज्येष्ठ कार्यकर्ता फाजिल अंसारी ने सभी देशवासियों को रमजान व ईद उल फित्र की शुभकामनाएं दी। पहले तो मैं तमाम अहबाब को दिली मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये बहुत ही गम के साथ मामला है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और बस अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सब से राजी हो जाए और अल्लाह की रहमतें हम सब पर नाजिल हों, बरकतें रहमतें अल्लाह की हम सब पर नाजिल हों। ख़ास तौर से इस मुल्क के कोरोना वबा की जो बीमारी फैली हुई है, अल्लाह हम तमाम इंसानों को इससे महफूज रखे, और साथ ही साथ इस वक्त पूरी दुनिया की निगाह बैतुलमक़दस की तरफ है, जहाँ फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बर्बरियत का फ़लस्तीनी निशाना बन रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर तमाम मुस्लिम ममालिक तकरीबन 54 मुस्लिम ममालिक की मीटिंग होने जा रही है, इसके मतलब से जिसके कायद तुर्की के रहनुमा जनाब अर्दगल साहब जो है ये लीड कर रहे हैं, उसको हम सब लोग दुआगो हैं कि इसमें एक सही फैसला को नतीजा निकले, ताकि मुसलमानों की जो दिल आज़ारी ये सही उन्हीं ताकतें कर रही हैं, उससे भी हम लोगों को नजात मिल जाए। साथ ही साथ इस दुनिया के अंदर तमाम बसने वाले लोगों के लिए हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम लोगों को हिदायत आम करे, और इस दुनिया में जो साजिशें रची जा रही हैं उनसे भी हम सबको महफूज रहें। शुक्रिया।